तो गौतम जी ने चुपचाप टेलीफोन कर दिया, उधर देवी जी को लेकर के हमारे साले साहब आ गए और चुपचाप उनसे मिलवा दिया। उन्होंने दवा दे दी, बोले 3 महीने की दवा है, खाओगी ठीक हो जाओगी। और 3 महीने की दवा दी, 1 महीने में ही पूरा लाभ हो गया। अब देखिए इधर ब्रह्मचारी जी महाराज का संकल्प और यहां से वहां पहुंच करके तुरंत वो देवी जी कैसे कहां, उन्होंने दे दी दवा, इधर से दुआ उधर से दवा, और ऐसा बानक बना के 1 वर्ष में ही उसका प्रतिफल सामने आ गया। और फिर 1 नहीं 3 बालक हुए। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब यह है कि एक संत जो सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं, यदि उनके मन में सच्चे मन से कोई इच्छा शक्ति जागृत हो जाए और वो अपनी वाणी से बोल दें, तो ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचा मर्थोनुधावती, उनकी वाणी के अनुसार अर्थ अनुगमन करता है। तो प्रसंग पर आवे, दुर्वासा मुनि जी ने यद कह दिया कि जनयति वो मंदा मुसलम और कुल नाशनम, संपूर्ण कुल का नाश करने वाले मूसल को जन्म देगी, तो मूसल था नहीं, वस्त्रों में से मूसल प्रकट हो गया। इसलिए साप और अनुग्रह सिद्ध कोटि संतों के वचन का तत्काल परिणाम देता है, तुरंत फल देता है। तो बच्चे डर गए, भाग करके भगवान के सीधे पहले उग्रसेन महाराज के पास गए कि बच्चों से कोई गलती हो जाए तो बूढ़े बुजुर्गों के पास पहले भागते ताकि वो बात संभाल ले। सारी कहानी सुना दी उग्रसेन महाराज को, कैसा ऐसा हो गया। उग्रसेन महाराज ने पहले तो खूब डांट लगाई, और डांटने से अब क्या होगा, बच्चों से कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जो होना था हो गया, तो अब इस मूसल का क्या करें। बोले इसको घिस दो, पीस दो और समुद्र में फेंक दो। वैसा ही किया, वही घिसा हुआ मूसल समुद्र की लहरों से किनारे आया और उसी से एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई। तलवार के समान एकदम तीक्ष्ण घास होती है। राम की न चाहे सोई हो। अब देखिए भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर भगवान को किसी ने पता भी नहीं लगने दिया, कोई चर्चा ही नहीं करी, उग्रसेन महाराज से चर्चा करी और बात को छुपा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुम नेक्षन विप्रसापम काल रूपन्वमोदत। भगवान ने काल रूप से अनुमोदन किया, सामर्थ्य होने पर भी ब्राह्मणों के साप को भगवान दूर करा सकते थे, ये भगवान में सामर्थ्य है। यदि सामर्थ्य न होती तो ईश्वर नहीं होते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ तभी कहा जाएगा जो सब कुछ करने में समर्थ हो। तो क्या सांप को भगवान दूर नहीं करा सकते थे, परंतु नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि काल रूपन अमोदत, काल रूप से भगवान ही अनुमोदन कर रहे थे। इन सारे कार्यों में भगवान की इच्छा प्रधान थी। एक दिन वसुदेव जी आए, वसुदेव जी के भवन में नारद जी आए। नारद जी से वसुदेव जी ने स्वागत सत्कार करके प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके बताइए भागवत धर्म किसे कहते हैं। नारद जी बोले, वाह वसुदेव क्या सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार जनक जी महाराज ने नवियों के सुनों से पूछा था। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र, 100 पुत्र हो गए थे, उनमें 9 बेटा नवयोगेश्वर कहलाए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्हो दुर्मल चमस और करभाजन। ये 9 महात्मा एक साथ विचरण करते जनकपुर में पहुंचे। जनक जी ने जोरदार स्वागत किया, स्वागत सत्कार करते हुए प्रश्न किया कि महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देना तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्।
महाराज ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और इस मानव जीवन में आप जैसे भगवान के परम प्रिय संतों का दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। तीन चीजें बहुत दुर्लभ होती है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। मानव शरीर तो मिल गया पर मानवता मिली के नहीं, मानवता आई के नहीं। बहुत से लोग मानव शरीर तो पा जाते हैं पर मानव शरीर में भी दानवता उनके भीतर होती है, इसलिए मनुष्य में मनुष्यत्व आवे ये बहुत बड़ी बात है। पर उससे भी बड़ी बात है कि मानवता के साथ साथ मुमुक्षा जग जावे। मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा, ये मानवता से भी ऊंची बात है। और मुमुक्षा से भी ऊंची एक और बात है, क्या? बोले महापुरुष संश्रय, किसी जीवन मुक्त सिद्ध कोटि के संत का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा प्राप्त हो जाए, ये सबसे ऊंची बात है। मुक्ति तो तुम चाहते हो पर मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे मिलेगी मुक्ति, उसको बताने वाला कोई महापुरुष तो मिले? मुक्ति पाने की युक्ति तो संतों के पास है, संतों की बताई युक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। तो आप जैसे संतों से मैं आज अनुग्रहित हुआ, केवल कृपा करके आज इतना बता दीजिए, धर्मान भागवतान ब्रूत यद न श्रुताये क्षमं। अब देखिए प्रश्न करने का ढंग, विदेहराज जनक है और इतने उच्च कोटि के राजा और विद्वान होते हुए भी कहते हैं महाराज यद मैं सुनने में आपको पात्र दिखाई पड़ता हूं, यदि न श्रुताये क्षमं, यदि आपको लगता है कि इन्हें सुनाना चाहिए, मुझे उचित पात्र समझें, तो कृपा करके भागवत धर्म के विषय में मुझे बतावे। ये प्रश्न करने का तरीका है, हमेशा किसी महापुरुष से प्रश्न करो तो विनम्र वचनों में करना चाहिए। ये नहीं कि बताओ महाराज जी सुपनखा के पति का नाम क्या था, ऐसे पूछेंगे जैसे हम इनके दास हों। अरे भाई प्रश्न करने का तरीका होता है, तो मैं देखो प्रश्न कुछ लोग तो कहते हैं जानने की इच्छा से पूछते हैं कि सचमुच जानना चाहते हैं, कुछ लोग जानते हुए प्रश्न करते हैं कि तुम कितना जानते हो, वो प्रश्न नहीं करते परीक्षा लेते हैं। तो साधु संतों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, जिज्ञासु बन करके पूछना है तो पूछने में विनम्रता दिखनी चाहिए। बछड़े को देख करके गौ माता अपने आप ही स्तनों से दुग्ध प्रवाहित करने लगती है, उसका वात्सल्य बरसने लगता है बछड़े को देखकर। अर्जुन बछड़े बनकर के प्रश्न किए तो गोविंद ने गाय दोष दी, दुग्धा गोपाल नंदन, गोपाल ने सारी उपनिषदों को गाय बना करके और भगवत गीता का अमृत दूध के रूप में प्रकट किया, पर उस प्रकट को कराने वाला बछड़ा कौन था? बोले अर्जुन। पार्थ वत्सा हैं, वत्स हैं, पार्थ रूपी वत्स मिला, बछड़ा मिला, तो गोपाल ने उपनिषदों की गाय को गीतामृत के रूप में दूध के रूप में दो करके निकाल लिया, दुग्धम गीतामृतम। इसलिए पात्र बनोगे संत अपने आप तुम्हें सब कुछ दे देंगे, और परीक्षा लोगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला, भटकते फिरोगे, केवल प्रश्न का बोझा अपने ऊपर ढोते रहोगे। और श्रद्धा रखोगे तो प्रश्न करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप समाधान आपको मिल जाएगा। श्रद्धा से सेवा करो, समाधान अपने आप मिलेगा, पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कभी नाम के योगेश्वर बोले, देखो राजन, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने का नाम है भागवत धर्म। मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये रास्ते हैं।
इन मार्गों से चल करके भगवत प्राप्ति का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। चलने वाले के पास यदि आंख है तो संभल करके चलाएगा, आंख नहीं है तो आंख वाले का सहारा लेके चलना पड़ेगा। अंधा व्यक्ति आंख वाले के सहारे पहुंच जाता है। आंख क्या है? श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणाम परिकीर्तिते एकेना विकलह काणो द्वाभ्याम अंध प्रकीर्तितः। श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं, इन्हीं आंखों से आप अध्यात्म पथ पर आगे ठीक से बढ़ोगे। यदि आपको एक का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, स्मृतियों का बोध नहीं, तो आप एकाक्षी हैं, एक आंख वाले। और श्रुति स्मृति में से कुछ भी आपको नहीं आता तो आप सर्वथा अंधे हैं, द्वाभ्याम अंधः। परंतु अंधा होने पर भी एक रास्ता हम आपको बताते हैं जिसमें आप बिना एक्सीडेंट के आराम से पहुंच जाओगे। कई रास्ते बड़े अच्छे होते हैं कि अंधा भी बिना गिरे पहुंच सकता है। ऐसा रास्ता कौन सा है? बोले ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खले न पते देह। इस रास्ते में फिसलना गिरना होता ही नहीं, क्योंकि सुपर हाईवे है, चमचमाती सड़क है, और वो भी बनवे, सामने वाला आने वाला है ही नहीं जिससे आप टकरा जाएं। स्पष्ट मार्ग है। तो भक्ति मार्ग पर चला कैसे जाता है बताते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुष्यता स्वभावा बुद्ध्यात्मना मानुष्यता स्वभावा करो भक्ति मार्ग में चलने का सीधा तरीका यह है कि काया से, शरीर से, वाचा माने वाणी से, मनसा मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, प्रकृति से, स्वभाव से, जो भी आप कर रहे हैं, कभी भी कोई भी काम अपने लिए ना करते होगे, अपने प्रभु के लिए करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे जितने कर्म हैं सब भक्ति बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब कैसे? उदाहरण से समझो। आप सवेरे सवेरे जागते हो, नहाते हो, दांतों कुल्ला करते हो और फिर कपड़े पहनते हो, ये तो दिन की दैनिक कर्म है, क्रियाएं हैं। पर नहाते इसलिए हो क्योंकि साफ सुथरे हो, खाते इसलिए हो ताकि शरीर में बल वेग प्राप्त हो, पर वो सब अपने शरीर के लिए और अपने सुख के लिए करते हो, इसलिए ये कर्म कहलाता है। अब जो कर्म आपने अपने लिए किया है वो भगवान के लिए कैसे करेंगे? बोले हम इसलिए नहा रहे हैं ताकि शुद्ध होकर ठाकुर जी की सेवा में जा सकें। देवो भूत्वा देवम यजेत। हम भोजन भी इसलिए कर रहे हैं ताकि खाएंगे पिएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो सेवा करेंगे। सेवक बीमार रहेगा तो वो अपने शरीर की सेवा करेगा कि स्वामी की सेवा करेगा? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन करें, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो ये गाड़ी चलेगी कैसे? तो भोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि ठाकुर जी की सेवा में ये शरीर स्वस्थ रहे। काम वही हो रहा है।
भोजन आप इसलिए बना रहे हो घर में, माताएं भोजन में कितना समय लगा देती है। माताओं को गुरु जी ने कह दिया साठ माला जपो, तब तक पानी मत पियो, सवेरे से बैठ गई माला लेकर के। अब सास कह रही है अरे बेटा जा रहा है ऑफिस के लिए, कुछ नाश्ता पानी बनाया कि नहीं? इशारा करती हूं माला पूरी हो जाए फिर करती हूं। अरे तब तक तो वो निकल जाएगा भूखा। अब माला की स्पीड तेज हो गई, फटाफट माला खिंच रही है और सासी जी सासू जी छाती पर खड़ी खड़ी आंख दिखा रही है, ऐसी भजनानंदी आ गई, अब भोजन का तेरा बाप बनाएगा। वो चिल्ला रही हैं और इधर माला सटकाए जा रही हैं। ऐसे नास्तिकों के चक्कर में पड़ गई, शांति से मेरे को भजन भी नहीं करने देते। अब बोलो ये भजन हुआ कि संग्राम हुआ? भजन करो अवश्य करो, परंतु पहले जो आपका कर्तव्य है, पहले उस कर्तव्य को ही भजन बनाओ। माला जपना ही भजन नहीं होता। भजन का अर्थ क्या होता है? भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। भजन का अर्थ है सेवा, तन से सेवा, मन से सुमिरन, ये शरीर से सेवा करो। सेवा किसकी करें, कैसे करें, कब करें? तो आपको पति के रूप में जो परमात्मा तुम्हारे घर में बैठे पहले उनकी सेवा करो, माता पिता के रूप में जो देवता बैठे हैं उनकी सेवा करो, और इन सबकी सेवाओं से जब फ्री हो जाओ तब क्या करें? बोले तब बैठ कर आपने शांति से भजन करो। क्योंकि मनी राम जी को तुमने खाली छोड़ा कि ये उत्पात मचाएगा, उपद्रव करेगा। जैसे किसी ने जिंद सिद्ध कर लिया, जो मांगे सो उसने दिया फटाफट, जहां उसको याद किया तो तुरंत आके खड़ा हो जाता है, जो आ गया मेरे आका। बोलो क्या कहा, क्या आदेश है? बोले कुआ खोद दो, पानी की जरूरत है। अब जिंद तो जिंद ठहरा, पट्ट से खोद दिया। प्राय जहां भी ग्रामीण अंचलों में जाओ, बोले किला बड़ा जोरदार है, किसने बनाया? बोले जिंदों ने बनाया था। तो जिंदे तो बना, जिंदे लोग ही तो बनाएंगे भैया, कोई मरे थोड़ी बनाएंगे। जिंदों ने बनाया और भी बनाने वाले थे, तब तक किसी ने चकिया चला दी, आवाज सुनते ही वो भाग गए, सो अधूरा रह गया। प्राय ये कहानी सुनने में मिलती है, जिंदों ने बनाया। अरे वो जिंद कैसे हैं, क्या है, वो बात छोड़िए। बाकी जिंद ऐसे भी होते हैं जो काम फटाफट कर देते हैं, तो उसने किया। उसने कहा मुझे काम बताओगे मैं लगा रहूंगा, और यदि कोई काम नहीं मिला तो पकड़ के तुम कोई जैसी आराम कर जाऊंगा। अब कितना काम बताओगे भाई, वो फटाफट सब काम कर देता है। अंत में जब कोई काम नहीं बचा तो वो तो ना खाने दे ना सोने दे, 24 घंटे खड़ा रहे, जल्दी बताओ क्या करूं। अब कहां तक बतावे, गुरुजी के पास भागे गए, गुरुजी बचा लो, ये नहीं तो खा जाएगा मेरे को। 24 घंटे खड़ा रहता है, काम बताओ काम बताओ, कोई काम ही नहीं बचा। महात्मा ने कहा युक्ति से काम लो, युक्ति बता दी मुक्ति मिल गई। उसने तुरंत एक बढ़िया खंभा गड़वाया, जिंद से कहा कि चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। आप 24 घंटे ऊपर जाए नीचे आवे, ऊपर आवे नीचे, मिल गया काम उसको, उसको काम मिल गया, इनको आराम मिल गया। और जब कोई काम आया तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ पानी भर के लाओ, ला करके रख दिया, हो गया काम। बोले हाँ और बताओ, बोले चढ़ जाओ खंभे पर, तो बच गए। उसी प्रकार से तन से खूब सेवा करो, घर के काम करो, और जब कोई काम ना रह जाए तो ये फालतू की बातें ना बने कि इसने ये किया उसने वो किया, उनसे बचने के लिए फिर माला लेकर के बैठ जाओ। ये वही खंभा है जिस पर अपने मन रूपी इस प्रेत को घुमाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे किया जाते ना। तो मनी राम जी को काम दो, ये उसके काम के लिए। अब भोजन के समय भजन करने बैठ जाओगे तो ना तो भोजन ही ठीक से बनेगा और ना भजन ही ठीक से हो पाएगा। इसलिए काये न वाचा मन से इंद्रिय ईर्वा, जो कर रहे हो उस कर्म को ईश्वर की बुद्धि से करो। डॉक्टर के पास मरीज आया बिल्कुल मरणासन्न,
जल्दी इलाज नहीं हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। परिवार के लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जल्दी आओ देखो, डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी माला पूरी होने दो तब बात करते हैं, हमारा नियम है इतना भजन किए बिना हम नहीं उठते। अब बताओ उस समय वो माला महत्वपूर्ण है कि मरीज? डॉक्टर का वही भजन है कि जो मरीज आया है उसी में भगवत बुद्धि रखे कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए इस रूप में पधारे हैं। तो ईश्वरीय बुद्धि से यदि वह डॉक्टर इलाज कर रहा है तो डॉक्टर का भजन भी हो रहा है और कर्तव्य भी पूरा हो रहा है। उस समय माला लेके बैठना डॉक्टर का काम नहीं है, भजन मरीज की सेवा है। इसलिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे भगवत बुद्धि से करना ही भजन है, यही भागवत धर्म है। सब में उसका दर्शन करो। शृण्वन्नि सुभद्राणि रथांग पाणि जनमानि कर्माणि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्ति लज्जो विचरेण संग विचरेण संग विचरेण संग। असंग होकर के विचरण करे, भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करे, भगवान रथांग पाणी के पावन चरित्रों का वर्णन करे और उनके प्रेम में सदा डूबा रहे। गायन बिलज्जह, लोकलाज को खूंटी पर टांग दे। जब प्रेम उमड़े तो मस्ती से नाचे, भक्त का यही स्वरूप होता है। जब मस्ती आती है तो नाचने लग जाता है, जब मस्ती आती है गाने लग जाता है। भगवान का विरह सताता है तो रोने लग जाता है। वो ये विचार नहीं करता कि कोई की देखेगा क्या समझेगा, कोई पागल न समझे हमें कि अपने आप में अकेले में ही रोता रहता है गाता रहता है। जिसको जो समझना हो समझे। जब गोविंद के प्रेम की मस्ती उमड़ती है तो भक्त फिर लोक लाज की कोई परवाह नहीं करता है। बिलज्ज लज्जा, लज्जा का परित्याग करके विचरेत असंग, संसार से असंग रह करके वह विचरण करता है। ये भक्तों के लक्षण है। ऐसा भक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को एक साथ प्राप्त करता है। ये त्रिवेणी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी होती है। ये तीनों धाराएं अलग अलग होने पर भी एक हैं। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भक्ति।